हेलो स्टूडेंट्स, तो अपन ने इससे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ आज करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपने बात करेंगे फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन की। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। इसमें अपना जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है, मोहन डिपॉजिट्स 2000 रुपीज़ इन हिज बैंक अकाउंट एंड विदड्रा 1642 रुपीज़ फ्रॉम इट, है ना। तो ये बोल रहा है कि इसमें पहले तो इसने 2000 डिपॉजिट करवाए और फिर विड्रा किए, यानी निकाले इसने इतने, यानी इतने तो डिपॉजिट यानी जमा करवाए और ये निकाले इसने। विड्रा मतलब होता है निकालना, निकासी, ठीक है। तो चलिए अपने आगे बात करते हैं। द नेक्स्ट डे, है ना, अगले दिन। अब आगे पढ़ते हैं। इफ़ विड्रा ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंट बाई ए नेगेटिव इंटीजर, यानी जो ये बोल रहा है कि जो विड्रा, इफ विड्रा ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंट बाई ए नेगेटिव इंटीजर, यानी जो विड्रा जो मनी है, यानी ये जो विड्रा मनी है ये वाली 1642, इसको अगर मैं नेगेटिव इंटीजर से शो करूँ, मतलब है ना, तो जो अपने जमा करा रहा है वो, है ना, तो उसको किस साइन से शो करूँगा। तो नॉर्मल से अगर ये निकालने वाला नेगेटिव से शो हो रहा है तो एड जमा कराने वाला अपने पॉजिटिव से शो होगा। ये तो नॉर्मल सी बात है ना। ये मान लो नंबर लाइन है, तो एक तरफ इस पे चलेंगे अपने जमा कराने वाले यानी जो डिपॉजिट मनी है, और एक तरफ इस पे चलेंगे क्रेडिट मनी यानी जो विड्रा मनी है ना। तो ये अपने हो गया, ये जीरो होता है यहाँ पे। इधर जो जमा कराने वाले चलेंगे और इधर जो विड्रा मनी है अपने, है ना, वो चलेंगे। तो अपने ध्यान रखना है नंबर लाइन पे इनको ऐसे शो करना होता है। तो अगर ये नेगेटिव में शो हो रहा है ना, इसको नेगेटिव में शो किया जा रहा है, तो इसको पॉजिटिव में शो किया जाएगा, नॉर्मल सी बात है। अब मान लो कोई डिस्टेंस ले लूँ, अगर कोई डिस्टेंस जा रहा है, अगर उसको मैं पॉजिटिव में शो करूँ, कोई जा रहा है कोई बंदा, उसको मैं पॉजिटिव में शो करूँ तो वो आएगा ना, तो उसको मैं नेगेटिव में शो करूँगा, है ना, नेगेटिव में दिखा दूँगा, ठीक है भाई। ये जाने वाली दूरी है प्लस वाली और ये आने वाली दूरी है ना। तो मान लीजिए अगर कोई बंदे ने डिपॉजिट करवाया धन 6000, उसने विड्रा किया 2000 का, अगर इसको मैं पॉजिटिव से दिखा रहा हूँ यानी डिपॉजिट वाले को, तो इसको नेगेटिव से दिखाऊंगा विड्रा वाले को, यानी ये समझ जाएगा इससे, मतलब ये तो जमा वाला धन है और ये अपने विड्रा किया हुआ धन है, ठीक है। तो चलिए अपने आगे बात करते हैं। ये तो हो गया अपना, इसको किससे शो करूँगा। पहला क्वेश्चन था कि देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, तो आप डिपॉजिट अमाउंट को किस साइन से शो करोगे। तो आप नॉर्मल सी बात है बाई ए नेगेटिव, सॉरी बाई ए पॉजिटिव साइन, है ना, ये आंसर हो गया फर्स्ट का। तो अब आगे क्या बोल रहे देखना, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रा, यानी विड्रा करने के बाद में, यानी विड्रा जो ये धन इसने विड्रा किया था ये वाला, इसके बाद में ये जमा कराया था, ये निकाल लिया, तो लेफ्ट मनी यानी जो बचा धन था वो कितना था। तो नॉर्मल सी बात है 2000 जमा किए, इसने निकाल दिए 1642, ये निकाल लिए इसने, तो आप ये कितना बचा, 8 9 में से 4 गया 5 और ये बचा अपने 9, है ना, 9 में से 6 गया 3, ये 0 हो गया, यानी ये रुपीज़ इसमें लेफ्ट है, मतलब। तो लेफ्ट मनी, अब स्टेटमेंट बनाओगे लेफ्ट मनी इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रा इज इक्वल टू टू थाउजेंड माइनस, ऐसे करोगे आप, ऐसे नहीं करना आपको नीचे वाला, है ना, तो 2000 माइनस कितना है 1642 इज इक्वल टू 3 रुपीज़, है ना, ठीक है। तो ऐसे करना था, ये अपना हो गया फिफ्थ क्वेश्चन था। यानी कोई चीज़ अगर, ये मान लो कोई भी चीज़ है, कोई भी दो चीज़ें हैं, अगर एक को मैं नेगेटिव में शो कर रहा हूँ तो दूसरी को पॉजिटिव में करूँगा, अगर एक को मैं पॉजिटिव में शो कर रहा हूँ तो दूसरी को किस में करूँगा, नेगेटिव में करूँगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। अब सिक्स क्वेश्चन है, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, नीचे लाइनिंग भी दे रखी है, देखो ध्यान से, है ना, इसमें लिखा रखा है ना। अभी जैसे मैं डायरेक्शन बताया तो आपको, वैसे तो नॉर्मल सी बात है, इसमें तो कुछ बड़ा नहीं है। ये है ईस्ट,
ये है वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, अपने को याद रखनी है। डायरेक्शन अपने बुक्स या नोटबुक में ऐसे शो करते हैं, ठीक है ना, याद रखना है नॉर्थ है ये अपने को रट देनी है, ठीक है। ऊपर की साइड में अपना नॉर्थ होता है, नीचे की साइड में अपना साउथ, और ये अपना वेस्ट होता है और ये अपना ईस्ट होता है, ठीक है। तो अपने को ध्यान में रखनी है। तो रीता गोज 20 किलोमीटर टुवार्ड ईस्ट, यानी ये जो सीता है, सॉरी रीता है जो है, वो 20 किलोमीटर जा रही है ईस्ट की ओर। ये अपना ईस्ट है, ये 20 किलोमीटर गई सीता, है ना, ईस्ट ई लिख दिया मैंने, है ना, ईस्ट की। अभी आगे क्या बोल रहा है, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट, टुवार्ड यानी ईस्ट की तरफ जाती है, फ्रॉम ए पॉइंट, यानी ए पॉइंट से। ये ए पॉइंट पे खड़ी थी पहले, यानी जीरो की पोजीशन पे खड़ी थी ये, है ना। तो ये गई ए टू दी पॉइंट बी, यानी बी पॉइंट पे गई ईस्ट की तरफ। ये कोई बी पॉइंट है, ये लो बी पॉइंट हो गया अपना, यहाँ गई और 20 किलोमीटर चली है, यानी जीरो से यहाँ आ गई। तो यहाँ कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इसने, 20 किलोमीटर, ठीक है। आगे बोल रहा है ये, आगे क्या बोल रहा है ये, सी मूव 30 किलोमीटर, आगे क्वेश्चन कट गया मेरा थोड़ा, ऐसे कर लेते इसको ना। सी मूव 30 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट अलोंग दी सेम रोड, यानी वापस ये उसी रोड पे वापस जा रही है वेस्ट की तरफ, यानी ये अपना, मैं यहाँ कर लेता हूँ इसको, ये अपना ईस्ट है, ये अपना है वेस्ट। ये पहले यहाँ खड़ी थी स्टार्टिंग में जीरो की पोजीशन पे, अभी यहाँ से पहले 20 किलोमीटर यहाँ गई, है ना। फिर बोल रहा है वापस आइए, है ना, सी मूव्स 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर वापस आइए वेस्ट की तरफ, इस वेस्ट की तरफ 30 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर तो यहाँ तक हो ही गया। अब ये 10 हो रहा है यहाँ पे, है ना, 10, और ये ध्यान को नंबर लाइन के पढ़ने अपने, तो ये 0 तो हो गया। अब इस साइड में नंबर चलेंगे कैसे चलेंगे, नेगेटिव चलेंगे ध्यान, यानी -10 पे आ गई, है ना, यानी पहले तो यहाँ खड़ी थी, दोबारा बताऊँ, फिर यहाँ से ये 20 किलोमीटर आ गई पॉजिटिव साइन की तरफ, है ना। फिर ये वापस आ रही है वेस्ट की तरफ, ठीक है, वेस्ट की तरफ वापस आ रही है, 30 किलोमीटर आ रही है। तो 20 तो यहाँ तक, 0 तक हो गया वापस आई तो, और ये 10, क्योंकि 20 तो एक डिस्टेंस पहले कवर की थी इसने, और वापस चले गई है, और 10 और रह गया क्योंकि इसने 30 चला था, तो 10 ये माइनस की तरफ आ गई, क्योंकि साइड में नंबर कैसे चलते हैं, माइनस चलते हैं नंबर लाइन पे। चलो ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये, अभी बोल रहा है आगे, इफ़ द डिस्टेंस टुवार्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंट बाई पॉजिटिव, यानी ईस्ट की तरफ ये चली थी, उसको अगर मैं पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करूँ, देन नाउ देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट दी डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवार्ड वेस्ट। तो आप जो वेस्ट की तरफ चली है, अगर ईस्ट की तरफ चली डिस्टेंस को मैं पॉजिटिव साइन से करूँ, रिप्रेजेंट करूँ, तो जो वेस्ट की तरफ ये चली है उसको किस साइन से रिप्रेजेंट करूँगा। तो सबको पता है एक चीज़ दूसरे के अपोजिट होती है, तो उसमें एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, ठीक है, माइनस से रिप्रेजेंट होगा। अगर एक माइनस से रिप्रेजेंट हो रहा है तो दूसरा प्लस से रिप्रेजेंट होगा। इसमें ईस्ट की तरफ चली डिस्टेंस पॉजिटिव है, तो वेस्ट की तरफ चली डिस्टेंस नेगेटिव होगी, यानी इट विल बी रिप्रेजेंट, इट विल बी रिप्रेजेंट बाई नेगेटिव साइन, है ना, नेगेटिव साइन। आंसर हो गया आपका, है ना, ये मतलब ये बोल रहा है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने वेस्ट की तरफ जो डिस्टेंस ली उसने, तो इट विल बी रिप्रेजेंट बाई नेगेटिव साइन, यानी ये किससे रिप्रेजेंट होगी, नेगेटिव साइन से, कौन सी, वेस्ट वाली, ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। आगे ये बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है ये, बाई विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए। अब सुनना ध्यान से, एक बार दोबारा बताना हूँ मैं, ये 0 की पोजीशन पे थी, फिर यहाँ 20 आई ईस्ट की तरफ, वापस गई तो 30 गई, तो 20 तो ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, वापस यहाँ आई तो -10 पे पहुँच गई। इस साइड में नंबर नेगेटिव चलते हैं, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव में होती है, लेकिन शो अपने नेगेटिव से ही करेंगे, ठीक है। तो ये है अपना ईस्ट हो गया, ये अपना वेस्ट हो गया। अब बताओ जो खड़ी है ये, है ना, ए से कितनी दूरी पे खड़ी है, ए से, जैसे -10 यानी 10 ही किलोमीटर है, वैसे तो पॉजिटिव में होगी डिस्टेंस, लेकिन इस जो ये जो डिस्टेंस है ना, ये है तो 10, ये तो कन्फर्म है ना, 10 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन इस डिस्टेंस को कौन सा इंटीजर अपना रिप्रेजेंट कर रहा है, ये -10 वाला, यानी ए से इस डिस्टेंस को बता रहा है ये वाला इंटीजर। तो ये इसने ये नहीं पूछा कि वो डिस्टेंस कितनी है, इसने पूछा है कि कौन सा इंटीजर शो करेगा उसकी डिस्टेंस ए से, है ना। तो -10 क्योंकि यहाँ खड़ी है, तो ये -10 वाला जो इंटीजर है, ये इंटीजर ही है, तो
तो ये डिस्टेंस उसकी शो करेगा, तो -10 इसका आंसर होगा लास्ट। ठीक है, ये अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेवन्थ की। सेवन्थ क्या बोला, देखना ध्यान से। इन ए मैजिक स्क्वेयर, एक मैजिक स्क्वेयर में ईच रो कॉलम एंड डायगनल हैव द सेम सम, है ना। आपको पता है, ये मान लो मेरा कोई रेक्टेंगल है, तो डायगनल्स बोलते हैं कॉर्नर को जो मिलाने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं डायगनल्स, यानी तिरछी लाइन है ये। ठीक है, ये डायगनल्स हो गई है। ठीक है, और रो बोलते हैं जैसे कोई मान लो ये अपना एक रेक्टेंगल हो गया, ये होती है रो, ये वाली 1, 2, 3 रो हो गई, 4 रो, ये रो होती है। और ये जो बना रहा हूँ ना मैं, ये 1 कॉलम हो गया, ये कॉलम होते हैं, 2 कॉलम हो गया, 3 कॉलम हो गया, 4 कॉलम हो गया, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे। इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगनल्स हैव द सेम सम, यानी एक मैजिक स्क्वायर में जो सम होता है डायगनल्स का, यानी इसका और जो इस डायगनल्स में आ रही है इन डिजिट्स का, जो इन रो में आ रही है इन डिजिट्स का, ये डिजिट्स हैं रो में जो आ रही है इन डिजिट्स का, और इन डिजिट्स का जो कॉलम में आ रही है इनका सेम क्या होता है, सम क्या होता है, सेम होता है मैजिक स्क्वायर में। ठीक है, ध्यान रखना अपने को, मैजिक स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और अगर इनका सम सेम नहीं है, किसी रो का सेम नहीं है या किसी कॉलम का सेम नहीं है, अगर एक कॉलम का जो सम है वो 30 आ गया, तो उन तीनों कॉलम का सम 30 होना चाहिए, तब तो मैजिक कॉलम है, यानी मैजिक स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। अगर एक डायगनल्स का सम आ गया, दो डायगनल्स हैं इसमें, एक ये वाली और एक ये वाली, अगर एक डायगनल्स का सम 30 आ गया तो दूसरी का भी 30 आना चाहिए, अपने को ध्यान रखना है, तब तो वो मैजिक स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए अपने बात करते हैं इसमें कौन से का, देखना ध्यान से। अब पहले की बात करते हैं अपने, पहले देखना, पहले अपने चेक करते हैं रो का, यानी ये रो है ना। अब फर्स्ट रो में जूम कर लेता हूँ, अब जो फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट मैंने रो बोला था, ये वाली रो होती है। ठीक है, तो फर्स्ट रो में एक तो 5 है, इनको ऐड करो आप, एक माइनस का 1 है, तो ऐड करो माइनस का 1, ये लो मैंने ऐड कर दिया माइनस का 1, है ना। क्योंकि अभी जैसे मान लो मैं बोल दूँ 5, 2, 6 को ऐड करो, तो आप करोगे 5 + 2 + 6, ऐसे ही करोगे। अगर बीच में कोई साइन माइनस का आ जाए तो माइनस का लो साइन को, ऐड तो करना ही है, है ना, लेकिन उस साइन को आप माइनस का ले लो ब्रैकेट में लेके। ठीक है, अब माइनस का 1 मैंने ऐड कर दिया, अब माइनस का 4 ऐड और करो आप, माइनस का 4 ऐड और कर दिया, अब देखो 5 हो गया पहले तो ये। ठीक है, अब प्लस माइनस, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस हो गया अपना, माइनस का 5 बन जा, सॉरी ये 1 हो गया है ना, 1, और प्लस माइनस आगे वाला प्लस माइनस माइनस, और ये 4 है यहाँ पे, देखो 4 ऐड किया था मैंने, तो 4। अब यहाँ माइनस के कितने हैं, माइनस के यहाँ पे 5, माइनस का 4 और माइनस का 1, माइनस के 5, 5 माइनस 5, यानी ये 5 और माइनस का भी कितने हो गए, 5 हो गए, तो ये हो गया अपना 0। ठीक है, तो चलिए अपने आगे बात करते हैं, ये तो 0 हो गया, आगे वाले का देखो 0 आना चाहिए, इसका भी, इस रो का भी, और इस रो का भी 0 आना चाहिए, तब तो ये मैजिक स्क्वायर है। ठीक है, अदरवाइज नहीं है। आई क्वेश्चन क्या बोला, पहले वो पढ़ लेते हैं। कॉलम एंड डायगनल्स हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर, यानी इसमें चेक करना है दोनों में से मैजिक स्क्वायर कौन सा है, जिनमें दोनों डायगनल्स का सम सेम हो, तीनों इसमें 3 रो हैं तो 3 रो का सम सेम होना चाहिए, और जो कॉलम 3 ही है उनका भी सम सेम होना चाहिए, तब तो ये है। ठीक है, अदरवाइज मैजिक रो मैजिक स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो चलिए अपनी बात इसको जूम कर लें। चलो इनको मैंने ऐड कर दिया, इनका 0 आया, यानी इनका सम जो आया वो 0 आया। ठीक है, -5 -2, अब इनको ऐड करो, -5 को मैंने ऐड किया -2 से और फिर ऐड किया 7 से, तो माइनस का तो 5, माइनस का 5 हो गया, प्लस माइनस माइनस का 2 हो गया, यानी आगे वाला, और ये आगे वाला प्लस का 7 है ही। ठीक है, तो यहाँ कितना रहा है, माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 7 हो गया, और प्लस का 7, ये लो 0, ये भी 0 है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, अपना चल रहा है काम। ठीक है, आगे वाला देखो, आगे वाला और देख लो अपने, इरेज कर दूँ एक बार इसको। अब आगे इसको ऐड करो, ये इसका भी 0 होना चाहिए, 0 + 3 - 3, +3 से -3 चला गया,
ये आप वैसे करना, जैसा मैंने बताया था, और ये जीरो बच गया, इसमें भी जीरो है, ठीक है, यहाँ तक तो सेम है, इनका भी जीरो, उनका भी जीरो, इसका भी जीरो, ठीक है। आगे देखना ध्यान से क्या हो रहा है अपना। अब करते हैं अपने डायगनल चेक, या पहले आप चाहो तो कॉलम चेक कर सकते हो। रो चेक कर ली, सभी रो का सम सेम है, तो अब करते हैं अपने डायगनल चेक। डायगनल का सेम है क्या, डायगनल का देखते हैं पहले। ये डायगनल्स में आ रहे हैं ना तिरछी जो, ये डिस्टेंस है ना, तो चलिए चेक करते हैं अपने। -5 आ रहा है पहले, -5, सॉरी प्लस का 5, और इसमें ऐड करना है अपने को सम, देखना है इनका -2 को, और फिर ऐड करना है अपने को -3 को, -3 को, ये -3 है लास्ट में, ठीक है। 5 का 5 हो गया, प्लस माइनस, माइनस का 2, प्लस माइनस, माइनस का 3, अब यहाँ हो रहा है 0, है ना, -5 और +5 0 हो रहा है, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं आगे, इसका 0 हो रहा है, ठीक है, इनका भी 0 हो रहा है, ठीक है। अब इसका भी 0 होना चाहिए भाई, इसका भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, सभी चीज़ों का सम 0 होना चाहिए, डायगनल्स का ले लो, चाहे रो का ले लो, चाहे कॉलम का ले लो, ठीक है। तो 0 ऐड कर दिया, फिर मेरे को प्लस करना है इसमें -2, क्योंकि इस डायगनल्स में जो आ रहे हैं वो देखो आप, फिर मेरे को ऐड करना है -4, ठीक है। तो 0 का 0, प्लस माइनस, -2, और माइनस माइनस, सॉरी ऐड करना था ना, प्लस माइनस, -4, तो अभी हो गया अपने 0 का 0 हो गया, -2 और -4 कितना हो गया, -6, 0 -6 यानी -6, इसका आंसर आ गया। 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, तो -6 आ गया, ये नहीं आना चाहिए था, यहाँ 0 आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ -6 आ गया इस डायगनल्स का सम, तो ये अपने मैजिक स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आप चेक करोगे इन सभी रो को लेके इनका सम, इन सभी रो को लेके, ये जो मैं लाइनिंग खींच रहा हूँ, इन लाइनिंग में जो आ रहे हैं नंबर, उनका सम लेके, अभी रो है मैंने जैसे मैंने बना दी, ठीक है, इनका सम चेक करना। अगर 1 का आ गया 5, पहले का जिस आपने जैसे चेक किया 5 आ गया, ध्यान से करना है कहीं मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। तो अगर फिर मतलब इसका कर लिया, मतलब रो का, फिर कॉलम का करो, वहीं सम उन कॉलम्स का आना चाहिए, ठीक है। फिर इन डायगनल्स का चेक करो आप, फिर आप अगर इन सभी चीज़ों का, इन सभी जो डिजिट है इनका सम अगर सेम आ जाए, तो ये अपनी मैजिक रो होगी, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो आज की वीडियोस में अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिए, 5th, 6th और 7th, तो ये आपको अपनी जो नोटबुक है फेयर उसमें करनी है, ठीक है, 1st से लेकर 7th तक, ठीक है। आगे से आगे करते जाएंगे, अपने वीडियो आते जाएंगे आगे से आगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।